तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस, जो कि फुली बेस्ड है बीपीएससी TRE 3.0 शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी TRE 3.0 के लिए, तो आज और अभी ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए और नया डायमेंशन देने के लिए। तो यही बात करते हैं हम पिछले क्लास की। तो पिछला क्लास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था, कि जहां मैंने आपको एक थ्योरी पार्ट रख दिया था। क्यों? क्योंकि जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने उस टॉपिक को काफी डेप्थ में पढ़ाया है, काफी अच्छे से पढ़ाया है, और उस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो उससे आपको नहीं घबराना है, आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एकदम स्किप नहीं करना है। तो यदि आपके मन में चल रहा है कि चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, नया कुछ पे ध्यान देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, जाकर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? एकदम अगर छूट गया आपका पहले वाला लेक्चर, तो बिल्कुल आप देखिए, और उसी पे बेस्ड आज हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर सिस्टम कन्वर्जन में। जो भी कन्वर्जन है उससे रिलेटेड, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, जो भी है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि मैंने इसमें कुछ ASII, ISCII, ये सब टाइप के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आप स्किप नहीं करेंगे इन टॉपिक्स को, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं हो। इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो PDF हम आपको देने वाले हैं, उस सारे को भी बहुत अच्छे से शेयर करिए। जितना आपके फ्रेंड सर्किल में सारे को दबा कर शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो मूव करते हैं आज का पहला क्वेश्चन का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, क्या कहता है, द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट साइफर यूजिंग स्पेसिफिक पोर्ट इज कॉल्ड व्हाट? बताइए, द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इक्विवेलेंट साइफर, यानी कि जो डेटा है उसको कन्वर्ट किसमें करना है, साइफर में कन्वर्ट करना है। साइफर मतलब कोडेड टेक्स्ट की बात हो रही है। साइफर मतलब क्या होता है, कोडेड टेक्स्ट, जिसको दूसरा भाषा में इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, जिस मैकेनिज्म का यूज डेटा को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग स्पेसिफिक कोड, उसको क्या बोलते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं कोडिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिकॉर्डिंग। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकोडिंग, यही होगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू डेटा को साइफर में कन्वर्ट किया जाता है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ऑन अ कीबोर्ड, या फिर व्हेन अ की ऑन अ कीबोर्ड इज प्रेस्ड, इट इज इंटरनली मैप्ड टू अ यूनिक कोड व्हिच इज फर्दर कन्वर्टेड टू। कहने का मतलब है कि कीबोर्ड में आप जब कोई भी की प्रेस करते हैं, तो वो इंटरनली एक कोड में मैप हो जाता है, जो कि आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है वो आपको बताना है। क्या वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, क्या वो डेसिमल में कन्वर्ट होता है, क्या वो ऑक्टल में कन्वर्ट होता है, या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, बाइनरी में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेजेस का टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये काफी सिंपल है। और बाइनरी में क्या हो जाएगा, जीरो और वन, जो भाषा कंप्यूटर समझता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेसिमल, ऑक्टल, वो तो कंप्यूटर समझता नहीं है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाकर वो समझता है आपका सिस्टम, ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि ASCII यूज डैश बिट टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। आपको बताना है कि जो ASCII है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो है वो कितने बिट का डेटा यूज करता है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए।
और आपके ऑप्शन है 8 बिट्स, 7 बिट्स, 6 बिट्स, 5 बिट्स। बताइए, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको हर लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, वो चाहे इजी हो तो, मॉडरेट हो तो, और एडवांस्ड हो तो, यानी डिफिकल्टी लेवल हाई हो उसका, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है। सिर्फ एडवांस करा दिया, सिर्फ मॉडरेट करा दिया, सिर्फ इजी करा दिया, तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। हम बार बार कहते हैं पहले आप जाकर कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है कि नहीं। तो ASCII कितना बिट यूज करता है? 7 बिट डेटा यूज करता है। कितना यूज करता है? 7 बिट। जैसे आपको पता है कि 2 to the power 7, यहाँ पे लिख दे क्या, एक मिनट हो जाएगा, लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या है, 2 to the power 7 यही यूज करता है ना, और कितना हो जाएगा, 128 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कितना यूज करेगा, 128 कैरेक्टर को, ठीक है, जो कि क्या है, ASCII, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अब बात हो गई इंडियन स्टैंडर्ड कोड की, ASCII, ये कितने बिट यूज करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, बताइए। ये क्या वो 8 बिट करता है, क्या ये 7 बिट करता है, क्या ये 6 बिट करता है, या फिर क्या ये 9 बिट यूज करता है, बताइए कितने बिट ये यूज करता है। ASCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बताइए। तो ये कितने बिट यूज करता है, ये यूज करता है 8 बिट, ये 8 बिट्स यूज करेगा ना, जो कि क्या हो जाएगा, 2 to the power 8, यानी कि 256, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ASCII कितना करेगा, 128 बिट, और ये कितना करेगा, 256 बिट, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, अगला कहता है कि हेक्साडेसिमल नंबर इज कॉल्ड डैश सिस्टम, यानी बताना है कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर का कितना बेस होता है, इसका बेस बताना है आपको, बताइए हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 16। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। 2 किसका होता है, बाइनरी का, सिक्सटीन हो जाएगा किसका, हेक्साडेसिमल का। 10 किसका होता है, 10 होता है डेसिमल का, और 8 किसका होता है, ऑक्टल का, ठीक है। अब देखिए, इसको हम तोड़ने का भी तरीका हम ऑलरेडी थ्योरी क्लास में बता दिया था कि आपका क्या है, हेक्साडेसिमल, आपको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का वैल्यू कितना होता है, अगर मान लीजिए कि हेक्सा का ही टर्म देख रहे हैं, ट्राई हो गया, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, ये सब जो होता है ना, क्वाड हो गया, तो हेक्सा मतलब कितना होता है, 6 होता है, और डेसिमल मतलब 10। डेसिमल का बेस कितना है, 10, यही ना है यहाँ पे लिखा हुआ, डेसिमल का 10, और जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, 16। तो ये क्या है इसका, ये इसका बेस है, यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में, पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कम से कम बेस आपका तो पता रहना चाहिए, क्योंकि बेस नहीं पता है तो फिर आगे क्वेश्चन होगा कैसे। आगे बढ़े, नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर्स आर मिक्सचर ऑफ डैश नंबर्स, ये किसका किसका मिक्सचर होता है ये आपको बताना है, क्या ये ऑक्टल और डेसिमल का मिक्सचर है, क्या ये बाइनरी और डेसिमल का मिक्सचर है, क्या ये लेटर्स और डेसिमल का मिक्सचर है, या फिर बाइनरी या प्लस ऑक्टल का मिक्सचर है, बताइए किसका मिक्सचर होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हेक्साडेसिमल किसका मिक्सचर होता है, लेटर और डेसिमल का। अब पूछिएगा कैसे, ये ऐसे डेसिमल में क्या हो जाएगा, 0 to 9 आ जाएगा, ये तो हो गया, और लेटर्स में क्या आ जाएगा, लेटर्स में आपका आ जाएगा A to F, A से F तक आता होता है ना,
हेक्साडेसिमल किसका किसका हो जाएगा, 0 to 9 और ए टू एफ, ये दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर ये पॉइंट। ए एस सी आई आई वैल्यू ऑफ डी, आपको बताना है ASCII वैल्यू ऑफ डी ये क्या होता है, डी का वैल्यू क्या वो 68 है, 69 है, 70 है और 71 है, बताइए। ए का कितना होता है, 65 होता है, ASCII वैल्यू होता है ना। बी का 66, सी का 67, डी का 68। तो आपसे डी पूछ रहा है ना, तो डी का कितना हो जाएगा, 68। पॉइंट क्लियर है, ये वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर स्मॉल ए की बात करें तो कहां से स्टार्ट होता है, वो 97 से होता है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स का कोई तरीका नहीं है पहचानने का, वो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप अल्फाबेट्स को अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर ये बढ़ते जाएगा तो बी का क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, सी का 99 हो जाएगा, ये ऐसे ही बढ़ेगा ना आगे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे आपके लिए ये ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे तो आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं, इसलिए आप ये सबको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला कहता है कि UTF 8, UTF 16 एंड UTF 32 आर इनकोडिंग्स ऑफ डैश। ये जो आप इनकोडिंग सबको दिया हुआ है UTF 8, 16, 32, ये एग्जांपल्स किसका है, सिंपली पूछ रहा है कि एग्जांपल्स किसका है, क्या ये यूनिकोड का एग्जांपल है, क्या ये ASCII का एग्जांपल है, क्या ये ISCII का एग्जांपल है, या फिर क्या ये LISCII का एग्जांपल है, बताइए ये किसका एग्जांपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिकोड, ये किसका एग्जांपल है, यूनिकोड का, मैंने पढ़ाया था आपको यूनिकोड में क्या क्या आता है, यूटीएफ 8 हो गया, 16 हो गया और 32 हो गया। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म पता ही है आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ISCII का पता ही है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और LISCII कुछ नहीं होता, ये ऐसा ही ऑप्शन में डाला हुआ है, तो आपको इस तरीके से खतरनाक ऑप्शन से बचना है, नहीं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कोई फर्जी ऑप्शन डालकर आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश करेगा, और ये करता भी है, अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा टर्म्स का तो वो कंफ्यूज आप हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, IBCDIC कोडिंग स्कीम यूजेज डैश बिट्स टू कोड डिफरेंट कैरेक्टर। कहने का मतलब है कि IBCDIC कोडिंग स्कीम जो है वो कितने बिट को यूज करता है अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, और आपके ऑप्शन है क्या क्या, 4, 8, 16, 32, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 8 बिट। हो सकता है ये आपने पहली बार सुना होगा, ये उतना इम्पोर्टेंट टर्म नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन NCERT में उतना इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन ला दिए कि हो सकता है बाय चांस आपसे कहीं पूछ दें। और यही बात करते हैं कि IBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आप लिख लेंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और ये करता क्या है, ये जो है सो 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग है, ये क्या है, ये है 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग जो कि IBM मेनफ्रेम कंप्यूटर में
यूज किया जाता है। जो आईबीएम का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम क्या होता है ये आपको पता है? तो जो आईबीएम का मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका? ईबीसी डीआईसी का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला कहता है कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस मच, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है क्या? 1 0 0 1 1 1 0। आपको बताना है कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी कि इसको बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप कन्वर्ट कीजिए इसको। कन्वर्ट कर लिए हमको ऑलरेडी, हम आपको बता चुके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power 0, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 1, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, और ये हो जाएगा क्या 2 to the power 6, यही ना होगा। और हमने आपको बताया था कि जीरो वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जीरो वाले को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। अब क्या बचा 2 to the power 6, यानी कि 64। ये क्या है 2 to the power 3 है, यानी कि 8 है। ये 2 to the power 2, यानी कि 4 है। और 2 के पावर 1, यानी कि 2 है, यही है ना। तो ये हो जाएगा 64 8 72 4 76 2 78, यही ना आया। तो 78 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाइनरी निकालना है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दे और बोले कि निकालिए बाइनरी, तो ये सब आपको आइडिया रखना है कि किसका बाइनरी कैसे निकलता है या फिर कैसे कन्वर्जन होता है। हमने पूरा आपको बताया था आपस में कन्वर्जन, 12 तरह का कन्वर्जन हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप वो सब ध्यान में रखेंगे ताकि आपको तकलीफ नहीं हो आगे चल के। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेन अ की ऑन इंग्लिश कीबोर्ड इज प्रेस्ड इट इज इंटरनली मैप्ड टू, इस तरह का क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले भी देखा है और फिर हम देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जब इंग्लिश कीबोर्ड में कोई भी एक की को प्रेस किया जाता है तो इंटरनली वो किसके मैप करता है। और ऑप्शन है यूनिक हेक्साडेसिमल कोड, यूनिक ऑक्टल कोड, यूनिक डेसिमल कोड, नन ऑफ द एबव, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनिक डेसिमल कोड। ये मैपिंग किसमें करता है, एक यूनिक डेसिमल कोड में ये मैपिंग करता है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। और ये लिखाता कैसे, कुछ भी दे देगा यहाँ से डिजिट, यानी कि 0 to 9 का रहेगा और बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा, ऐसे ही लिखाता है ना डेसिमल का, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला कहता है इनकोडिंग स्कीम डैश, यानी कि एक इनकोडिंग स्कीम का आपको नाम बताना है, वाज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको स्टैंडर्ड को उसको मेंटेन करना पड़ा था, यानी कि स्टैंडर्ड को एक लाना पड़ा था, एक मेंटेन करना पड़ा था, उसके लिए कौन सा इनकोडिंग स्कीम लाना पड़ा था आपको ये बताना है। यानी कि सिंपली स्टैंडर्ड बढ़ गया था, मेंटेन मतलब क्या होता है, बढ़ गया, वो स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया गया इसके लिए कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो कौन सा इनकोडिंग स्कीम था। वो था आपका ASCII,
और यहीं पे अगर इंडियन लैंग्वेज लग जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ISCII। लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वो क्या था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और इसमें फर्जी ऑप्शन भी डाला हुआ आपको दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कोई इनकोडिंग स्कीम थोड़े है, तो ये सब तो आपको ऑप्शन पहले ही इलिमिनेट कर लेना चाहिए था। ये तीनों है, इसके एग्जाम्पल में क्या है, इसके एग्जाम्पल में आपका UTF-8 है, UTF-16 है और UTF-32 है। हम लिखे नहीं है तीनों में UTF, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और ISCII किस कितना कैरेक्टर पे होता है, 2 के पावर 8, यानी कि 256 पे। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये कितना पे होता है, ये होता है 2 to the power 7, यानी कि 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ये 2 है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ बी इज द बेस ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम, व्हाट इज द रेंज ऑफ इट्स सिंबल्स। अब क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप कहीं और से अगर कहीं पढ़ते हैं या फिर कहीं से भी क्वेश्चन आप करते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, लेकिन वहां का आप क्वेश्चन का लेवल देखिए और यहाँ का क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड गिरे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड गिरेगा एग्जाम आपका निकलेगा नहीं। हम सारा क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड लाते हैं, ये 25 क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगता है। ये सब कमेंट में आप जरूर बताया करिए कि कैसा लेवल है क्वेश्चन का, आपको कैसा लगता है सेशन, ये सब आप कमेंट में बताया करिए। आपको कहा गया है क्वेश्चन कि बी क्या है, बी एक बेस है। ठीक है, प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी कि कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम का ये बेस है, तो बताना है कि सिंबल का रेंज कहां से कहां तक हो। देखिए, कोई भी जब सिंबल का रेंज स्टार्ट होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये तो फिक्स है। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 3 of 4 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, 1 और 2। अब आगे बढ़ते हैं, बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी BINARY बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो 2 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 और 1 है। अब बस ध्यान देते जाइएगा, राइटिंग थोड़ा खराब रहेगा क्योंकि सही से लिखा नहीं पा रहा है, माउस से लिख रहे हैं तो सही से नहीं लिखा पा रहा है, पेन टैब अभी है नहीं मेरे पास। तो 2 बाइनरी का कितना है बेस, 2 है। इसका वैल्यू क्या होता है बाइनरी का, 0 और 1 होता है, ये ठीक है। अब आते हैं डेसिमल पे, डीईसी डेसिमल हो गया, इसका बेस कितना होता है, 10 होता है, होता है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9 तक है। अब बात करते हैं ऑक्टल का, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 7 तक है। तो यहाँ से आपको कुछ अंदाजा मिल रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है लेकिन जा कहाँ तक रहा है, 1 तक जा रहा है, यानी कि 1 कम। यहाँ क्या है, डेसिमल है, बेस कितना है, 10 है और रेंज कहाँ तक जा रहा है, 0 से 9 तक, यानी कि 1 कम। ऑक्टल का क्या है, बेस 8 है और रेंज कहाँ तक जा रहा है, 0 to 7 तक, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो बेस जा रहा है वो 0 से लेके B-1, यानी कि जो बेस है उससे 1 कम तक जा रहा है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको लगा होगा, थोड़ा सा ये माइंड क्या बोले उसको, एकदम थोड़ा सा दिमाग आपका टंटना दिया होगा, समझे। तो ये तरह का क्वेश्चन करने का आप आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 to B-1, और कैसे होता है वो हम आपको यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़े अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, एक नंबर आपको दिया हुआ है, 10111011 इज क्या है, बताइए। उम्मीद हम करते हैं आपको कि आप ये क्वेश्चन बना देंगे। आपको इसके लिए करना क्या है, ऑक्टल है, ऑक्टल मतलब कितना बिट का रिप्रेजेंटेशन, 3 बिट का होता है। 3 बिट क्यों, क्योंकि ऑक्टल का, एक मिनट, ऑक्टल का बेस कितना होता है, बेस 8 होता है और 8 कितना होता है, 2 to the power 3, और ये 3 क्या है, बिट है, ये 3 क्या है, बिट है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग,
तीन तीन बिट का ग्रुपिंग करेंगे, और भी कैसे, राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले क्या हो जाएगा, 0 1 1 हो गया, फिर क्या है 1 0 1 हो गया, फिर 1 0 1 1 हो गया आपका, और फिर 1 है, तो सिर्फ 1 लिखेंगे, और लेफ्ट में क्या करेंगे, 3 0 यहाँ पे, सॉरी 2 0 यहाँ पे बैठा देंगे, क्यों, क्योंकि 3 बिट का हमें रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है ऑक्टल के लिए। इतना इतना बात क्लियर है, और ध्यान रहे राइट में आप 0 नहीं बैठाएंगे, लेफ्ट में बैठाएंगे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या, इसका वैल्यू क्या जाएगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3, सेम यहाँ भी हो जाएगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, एकदम पूरा हम आपको तोड़ तोड़ के समझा देंगे, टेंशन आप मत लीजिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। अब हमने क्या बताया था आपको, जहां जहां 0 है उसको इग्नोर कर देना, यानी कि उसको हटा देना है, तो 0 वाले को आप हटा देंगे, उसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या है 1। अब आप आगे सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट इसमें एक ही ऑप्शन है, आपको टाइम बचाने के लिए ये सब भी करना पड़ेगा, ऑप्शन के बारीकियों को जानना पड़ेगा। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आंसर इसी के आगे आएगा ना। अब देखिए क्या है, 2 के पावर 1 क्या है, 2, 2 के पावर 0 1, 2 प्लस 1 3, ये क्या हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या, 3, तो आंसर क्या आया, 1 3 5 3। अब अगर सिर्फ ये भी करेंगे, सिर्फ पहला आप देखेंगे कैरेक्टर को, तो उससे आपको ऑप्शन को मैच कराना है, ऑप्शन मैप मैच आप कराएंगे, अगर ज्यादा ऑप्शन से तो फिर बात अलग है कि आगे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो एक ऑप्शन मिला आप फट से टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप, आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपको बताना है यूटीएफ का फुल फॉर्म, जो आपने पढ़ा है ना UTF-8, UTF-16, UTF-32, जो यूनिकोड का पार्ट है, तो बताना है कि आपको उस UTF का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो UTF का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्या होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट UTF का फुल फॉर्म होता है, और एग्जांपल्स तो आपको पता ही है क्या क्या है, UTF-8 है, 16 है, 32 है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल पूछ दे कि बताइए UTF का कौन कौन सा वर्जन है, तो आपको बताना पड़ेगा, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट 16, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके माइंड का एक्सरसाइज करा देगा। ए बाइनरी नंबर्स वैल्यू चेंजेस मोस्ट ड्रास्टिकली व्हेन डैश इज चेंज्ड, एक बाइनरी नंबर का वैल्यू सबसे मोस्ट ड्रास्टिकली, यानी बोले कि सबसे टफ है, सबसे कठिन है, सबसे कठोर है, यानी कि उसको चेंज करना कब, जब किस चीज को चेंज करते हैं, वो आपको बताना है। बाइनरी नंबर्स वैल्यू चेंजेस मोस्ट ड्रास्टिकली, बहुत मुश्किल से चेंज होता है बाइनरी नंबर का वैल्यू, कब, किसको चेंज करने पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन है LSB, LSB मतलब क्या होता है, LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फुल फॉर्म लिख देते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो लिखने में इससे दिक्कत हो रहा है, आप समझ जाइएगा। और MSB मतलब मोस्ट, सेम वे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बताइए LSB, ड्यूटी साइकिल, MSB और फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा MSB। जब MSB को चेंज किया जाता है
ठीक है, जब MSB को चेंज किया जाता है तो उस समय बाइनरी नंबर का वैल्यू चेंज करना सबसे टफ होता है, ठीक है, MSB। और इसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ाएंगे जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो, क्योंकि अभी चर्चा करने से कोई फायदा है नहीं, फिर दोबारा पढ़ाना ही है, तो हम इन सारे टर्म्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ें। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, नेक्स्ट। अब बताने आपको ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेटा, ये नंबर आपको दिया हुआ है, आपको बताना है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। फिर ध्यान में रखना है क्या ऑक्टल, ऑक्टल मतलब क्या है, 3 बिट का ग्रुपिंग। ये जैसे ही ये सब टर्म आता है आपको ये सब माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ऑक्टल है तो 3 बिट का ग्रुपिंग, हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट का ग्रुपिंग, ये सब क्वेश्चन देखते आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, तभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनने जा रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए हम भी सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, ऑक्टल है तो क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाला को क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, यानी कि 101 है, फिर क्या है 001 है, 001 है, और फिर क्या है 1 है सिर्फ, तो 1 है तो अपना मन से 20 लगा देंगे, वो भी किधर, लेफ्ट में, राइट में नहीं, बार बार कहते हैं ध्यान में रखेंगे आप। और अब जो डेसिमल के बाद है उसमें चलेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में क्या करते हैं हम लोग कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं, लेकिन डेसिमल पार्ट में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा 001 और 010। अब देखिए यहाँ पे 3 का वैल्यू सेम है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, 3 में 12 है, पहले निकाल के देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये तो कट गया, बात ही खत्म, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो ये दोनों तो कट गया, ये बचा 2, यानी कि पॉइंट के बाद आपको 12 होना चाहिए, 3 में 12 है लेकिन इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन आपका हट गया। अब आगे का चलते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 0, 1, 2, अब सिर्फ इसी को सोल्व करके देखते थे, ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, 4 और 1, 5, यानी कि लास्ट इसमें क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और 5 किस में, ये तो ऑप्शन कट गया 5 इसमें, तो ये आपका आंसर हो गया। पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा सोल्व करने का आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास फालतू का टाइम अगर है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कहेंगे कि आप ऑप्शन से जाइए, आपका टाइम बचेगा। देखते क्या 2 के पावर 0 है, 1 है 2 है, तो ये कट गया दोनों, ये क्या बच गया 4 बच गया, ये तो आपका 5 आ ही गया था, और ये 2 पावर 0 क्या है 1 है, दोनों कट ही जाएगा, तो 145.12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और वही यहाँ पे क्या है ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप कोई एक भी सोल्व करके, यानी कि कोई एक पार्ट भी सोल्व करके आप आंसर ला सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 18 नंबर, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का आपको बताने की रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है इसमें से बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये ऑप्शंस आसानी से पकड़ लेंगे, ठीक है, बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है क्या है 1 to 4, बाइनरी में क्या होता है 0 और 1 होता है, तो ये 2 और 4 भी आ गया, ये तो ऑप्शन गया आपका। 1110, देखिए 10 का तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बेस यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो हम इसमें कह नहीं सकते हैं कि ये बाइनरी है कि नहीं, बात खत्म। 110 यानी कि 01 का तो फॉर्मेट सेम हो रहा है, लेकिन ये पावर बेस में न जाके स्क्वायर में चल गया, यानी कि ऊपर में पावर चला गया, ठीक है, जो डिजिट आपका दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर वो बेस में जाके कहाँ चल गया, पावर में चला गया, तो पावर में तो होगा नहीं, तो कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। एक मिनट, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 0 0 और बेस 2, 1 इसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 3 4 नहीं होना चाहिए, और बेस यहाँ पे बेस है, ये बेस 2 है, समझ गया बात। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो हर तरह के क्वेश्चन आपको हम 25 में करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट,
आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसमें से कौन सा एक पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है, और हम आपको ये अच्छे से बता भी चुके हैं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। और इसके लिए तो टाइम देना 10 सेकंड बेवकूफ़ी ही होगा। आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा है, इसका मतलब ये तो है, बाइनरी भी पढ़ा है, बाइनरी पढ़ा है कि अब बेस 2 है, हेक्साडेसिमल का कितना है बेस 16 है, ऑक्टल भी है यानी कि बेस इसका कितना है 8 है कि नहीं। लेकिन रोमन नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, इसमें पोजिशनल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि होता ही नहीं है इसमें, तो पोजिशनल का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट, बीसीडी स्टैंड्स फॉर, आपको बीसीडी का फुल फॉर्म बताना है, जो अपने पढ़ते हैं ना, यानी कि यहाँ पे तो कॉमन है सब में डेसिमल, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा डेसिमल है, इसका फुल फॉर्म आप बताइए। डी मतलब क्या है, डेसिमल है। अब बी सी मतलब आपको बताना है, बी सी डी, और हम बार बार याद दिलाते रहते हैं डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ये सब ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक भी आपको ऑप्शन दे देगा कंफ्यूजिंग, तो आप फंस जाएंगे, तो फंसना नहीं है। 10 क्या होता है, इसका बेस होता है, सिंबल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। ये सब बेसिक चीज है, एकदम दिमाग में होना ही चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए सब टर्म को। तो बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, है कि नहीं। ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये होता क्या है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये होता क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन 4 बिट्स, ठीक है। इसको एक लाइन में बोलें तो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन 4 बिट्स, यानी कि 4 बिट्स में, 4 बिट्स में नंबर का क्या है, रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि आपको बीसीडी लिखना है 5 का, तो 5 का आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट 101 भी तो लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट 101 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये हटा देंगे, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 1, तो 5 ऐसे भी हो गया। लेकिन अगर बीसीडी में आप ऐसे लिख देंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 4 बिट में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0101, ठीक है। ये 101 तो है, लेकिन अपना मन से आपको एक 0 भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये बीसीडी का फॉर्म लेगा, ठीक है, यानी कि तब ये जाकर 4 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, अब ये कहा जा सकता है कि ये किसमें है, बीसीडी में, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि द वन्स कंप्लीमेंट ऑफ 0.101, आपको 1s कंप्लीमेंट बताना है। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, हम कह नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है एकदम, एक लॉजिक पे है, हम आपको तुरंत कंसेप्ट भी बता देंगे, अगर आपको पता है तो आप आंसर करिए, और नहीं पता है तो फिर हम तो हैं ही बताने के लिए। तो देखिए 1s कंप्लीमेंट के केस में क्या होता है ना, कि आपको सिर्फ बिट को रिवर्स करना है, बिट को रिवर्स करना है, यानी कि उल्टा करना है, समझ जाइएगा, राइटिंग तो खैर दूसरा देश वाला लग ही रहा है, समझ जाइएगा, बिट को रिवर्स करना है। कहने का क्या मतलब है, कि 0 को 1 से रिप्लेस कर देना है और 1 को 0 से रिप्लेस कर देना है, बस 1s का यही कंप्लीमेंट है और कुछ नहीं है। यानी कि क्या हो जाएगा, 0 को क्या करना है 1 कर देना है, 1 को क्या करना है 0 कर देना है, 0 को 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है, यानी कि 1.010, ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन। सिंपली क्या करना है, बिट को आपको पलट देना है, रिवर्स कर देना है, और कैसे, 0 को 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना, ठीक है, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, आपका 1s कंप्लीमेंट का है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What could be the maximum value of a single digit in an octal system? अब बात किसकी हो रही है, octal number system की।
और ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है इसका? बेस आठ है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहां से? 0 से लेकर 7 तक। और पूछा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका? 7 है, 7 तक ही जाएगा ना। 0 से 8 अगर कर देंगे तो फिर तो वो ऑक्टल कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका बेस ही 8 है। और बेस का क्या होता है रेंज? 0 से b-1 तक। थोड़ी देर पहले हमने अपने पर बताया है आपको मैंने अभी, तो 0 से b-1 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? फिर से आप एक बार पढ़ के समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान बताना है ऑफ अ सिंगल डिजिट इन अ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर में बेस 8 होता है, बेस 8 होगा तो उसका रेंज कहां से कहां तक होगा सिंबल का? 0 से 7 तक होगा। मैक्सिमम बताना है तो 7 क्या है इसका? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स सफिशियंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर, फिर ऑक्टल नंबर इन बाइनरी इज, यानी कि आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स सफिशियंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल इन बाइनरी, ये आपको बताना है। तो देखिए मैक्सिमम ऑफ बिट्स मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ बिट्स की ग्रुपिंग की बात हो रही है, बिट्स की ग्रुपिंग की सिंपली बात हो रही है कि कितना पर ग्रुप बनता है। मैक्सिमम नंबर है तो जो मैक्सिमम होगा वही ना होगा। बोले तो ऑक्टल में बेस 8 होता है, 8 मतलब 2 के पावर 3, यानी कि बोले तो 2 क्या है? बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन है, और 3 क्या है? बिट है। तो 3 में ही रिप्रेजेंट होगा ना, 3 बिट में ही रिप्रेजेंट होगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर इसका? 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो यहाँ पे सारा ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए ऑक्टल है तो 8 का भी ऑप्शन है, बाइनरी है, और क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर आप बिट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आप डायरेक्ट 7 मार देंगे, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा कि ऑक्टल में रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 7 तक होता है। तो आपको क्वेश्चन को एकदम चाप के पढ़ना है, पूरा एकदम घुस जाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपको एकदम शांत दिमाग से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक टर्म आपका छूटा आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और आपका जितना जाल फैलाने वाला ऑप्शन है ना सब यहाँ पे डाला हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? आगे बढ़े। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर दिस इज क्या, बताइए। अब आपको हम बता दें कि देखिए ऑप्शन में क्या है, कहीं बेस 16 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन तो ये ऐसे ही कट गया। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन काटते हैं सब। ठीक है, मतलब जब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ये सब आपको ध्यान में रखेंगे, छोटा छोटा चीज। तो हम बताते हैं बार बार, एकदम कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो आपको इस फॉर्म में होना ही चाहिए, बेस 16 लगा हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? चार चार बिट का ग्रुपिंग करेंगे। अब चार बिट का ग्रुपिंग क्यों करेंगे, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। बेस कितना होता है? 16 होता है। 16 क्या होता है? 2 to the power 4 होता है। 4 क्या होता है? 4 बिट होता है। तो ग्रुपिंग कितने बिट का करेंगे? 4 बिट का करेंगे, यही है ना। देखिए 0 0 1 0, ठीक है, फिर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1, और ये तो 4 को 0 थे, इससे तो मतलब ऐसे भी नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या है? 2 0 है। आगे बढ़ते हैं, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, यही है ना, कट जाएगा ये। 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, तो 0 9 से कोई स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बेस 16 है, आंसर हो जाएगा आपका। ये सोल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो सोल्व करना है तो हम ये भी बताते हैं। ये तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 और 3, ये 2 के पावर का फॉर्म में, ऐसे नहीं समझिएगा, ये कट गया ऐसे ही। 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 0 9 4 और बेस 16। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, ये काफी शानदार क्वेश्चन है, और इसमें करना क्या है? पावर सॉरी बेस कितना लगा हुआ है? बेस 8 लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये किस फॉर्मेट में है? ये ऑक्टल में है आपका,
और ऑक्टल को आपको किसमें करना है कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल में, यानी कि 16 बेस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारा में बेस 16 है, तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो नहीं रहा है। तो कन्वर्ट ये कैसे होगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है, आपको पहले ऑक्टल से कहाँ जाना पड़ेगा, बाइनरी में जाना पड़ेगा। ऑक्टल से पहले आपको बाइनरी में जाना पड़ेगा। बाइनरी में जाने के बाद क्या करेंगे, चार बिट का ग्रुपिंग करेंगे। अब क्यों करेंगे, ये हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, चार बिट का ग्रुपिंग करेंगे और उसके बाद इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको बताना है। हम इसका आंसर अभी नहीं बताएंगे, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जरूर बताइएगा, जरूर से जरूर किसका आंसर क्या होगा, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते होंगे कि आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा ये कॉमेंट में भी जरूर अब आप बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।